हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशांत मैथमेटिक्स। और आज हम लोग आयु संबंधी कुछ प्रश्न बनाने वाले हैं जो कि प्रीवियस बैंक पीओ एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे, और इसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स कहें या फिर क्यू का अप्रोच करें उससे बनाने वाले हैं। और ये इस प्रकार के सेशन का दूसरा सेशन आज होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन पे और शुरू करते आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एजेज ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड दैट बिटवीन ए एंड सी इज 1:2। आफ्टर 6 ईयर्स द सम ऑफ एजेज ऑफ ए बी एंड सी विल बी 96 ईयर्स। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए इन ईयर्स। वर्तमान में ए और बी के आयु के बीच का संबंधित अनुपात 3:4 है और ए और सी के बीच 1:2 है। 6 साल बाद ए बी और सी की उम्र का योग 96 साल होगा। ए की वर्तमान आयु क्या है इयर्स में या फिर सालों में। जो बातें कही गई है पहले उसे हम जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो प्रेजेंट की बात की जा रही है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और इस प्रकार ए और सी का है 1:2। अब ए और बी है, फिर ए और सी है, मिल नहीं खा रहा है, सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ए बी या सी बनना चाहिए या फिर बी या सी बनना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग इसे बी और सी बनाएंगे और ए और बी को आपस में इंटरचेंज करके नीचे लिखते हैं। तो ये होने वाला है बी ए और फिर ए सी। तो बी और ए का अनुपात 4:3 हो जाएगा, इस प्रकार उल्टा हो जाएगा, और ए और सी का 1:2 हो जाएगा, इस प्रकार बी ए और फिर ए सी आ गया। अब हम लोग जब दो अलग अलग राशियों का अनुपात दिया हो या फिर दो अलग अलग चीजों का अनुपात दिया हो, दो अलग अलग व्यक्ति के उम्र का अनुपात दिया हो और उससे 3 में कंबाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इसे देख लीजिए। पहले बी ए है, फिर सी है। बी और ए के बीच का अनुपात 4:3 हो रहा है और ए और सी के बीच का हो रहा है 1:2। पहले बी ए का लिखेंगे 4 और 3, फिर 3 के नीचे ए का यहाँ पे 3 भी है और ए का यहाँ पे 1 भी है। तो पहले 3 लिख चुके हैं तो ए को उससे नीचे लिख के फिर सी का लिख देंगे, एक लाइन खींच लेंगे। इस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, इस 1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4, 3 और 6 होने वाला है और ये रेशियो है बी ए और सी का। हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और ए बी और सी का बनाएंगे और ए बी और सी का आयु का अनुपात होने वाला है 3:4:6। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है, 6 साल बाद ए बी और सी के उम्र का योग 96 साल है। चलिए 6 साल बाद अगर 96 है तो वर्तमान में कितना होगा, 96 में से 3 × 6 घटेगा क्योंकि बात है हमें पहले आना है तो कुछ माइनस हमें करने होंगे। कितने माइनस करने होंगे, प्रत्येक की उम्र से 6 घटाने होंगे और इस प्रकार 3 व्यक्ति हैं तो 6 × 3 = 18। तो हमारा 13 इक्विवेलेंट होने वाला है 78 के। तो 1 इक्विवेलेंट हुआ 6 के। हमसे ए की वर्तमान आयु पूछी जा रही है सालों में, तो ए की वर्तमान आयु होने वाली है 6 = 18। इस प्रकार हमारा तीसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए हैं वीडियो को रिवाइंड करें, फिर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डाउट को जरूर पूछें। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, 4 ईयर्स एगो द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन 1:2 ऑफ ए एज एट दैट टाइम एंड 4 टाइम्स ऑफ बी एज एट दैट टाइम वाज 5:12। चलिए लिख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर 8 ईयर्स 1:2 ऑफ एज ए एज एट दैट टाइम विल बी लेस देन बी एज एट दैट टाइम बाय 2 ईयर्स। व्हाट इज द बीच प्रेजेंट एज इन ईयर्स। 4 साल पहले उस समय
ए की आयु का 1/2 और उसमें बी की आयु का 4 गुना के बीच का संबंधित अनुपात 5/12 था। 8 वर्ष के बाद ए की आयु के 1/2 उस समय बी की आयु से 2 वर्ष कम होगी, बी की वर्तमान आयु क्या है। ये क्वेश्चन क्विकर अप्रोच से नहीं बनने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग फंडामेंटल अप्रोच से ही बनाएंगे, लेकिन कुछ बारीकी से बनाएंगे जिससे कि हमें मेथड करने में सॉरी जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं इसको। पहले कही जा रही है ए और बी के बीच की आयु, तो ए और बी के आयु मान लेते हैं एक्स और वाई है। 4 साल पहले x-4 y-4 कहा जा रहा है, 4 साल पहले उस समय की ए की आयु का 1/2। अगर ए की आयु का 1/2 निकालेंगे तो ए की आयु हम 2 से भाग देंगे, चलिए, और उस समय बी की आयु का 4 गुना, तो बी की आयु में हम 4 से गुना भी कर देंगे, ये होने वाला है 5/12। इसको सॉल्व करेंगे तो होने वाला है x-4/y-4 5 × 8/12, 4 × 2 = 8 और a 8 यहाँ पे आ गया। x-4/y-4 = 5 × 2/3, तो x-4/y-4 होने वाला है 10/3 और सबके पीछे इम्प्लाइज का चिन्ह अवश्य आएगा। इसकी मदद से हम पहला इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। अब 3x-12 = 10y-14, 3x-10y = 28 होगी, माइनस में, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में कहा जा रहा है 8 वर्ष के बाद की बात की जा रही है, 8 वर्ष के बाद ए की आयु का 1/2 उस समय बी की आयु से 2 वर्ष कम होगी। चलिए ये भी लिखती है, x+8 = 2 × y+6, x+8 = 2y+12, x-2y = 4, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ। सबसे पहले आप लोग इस प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं केवल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को रहने दूंगा और उससे एक्स और वाई का वैल्यू ड्राइव कर लूंगा। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब मैं इसे इरेज करने वाला हूं। अब पहले और दूसरे इक्वेशन की मदद से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन में सबसे पहले दूसरे इक्वेशन में सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो 5x-10y = 20। इसको तीसरा मानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -2x = -48 इंप्लाइज x = 24। अब इस 24 को हम रखेंगे यहाँ पे दूसरे में, 24-2y = 4, तो मेरा y आने वाला है 20/2, y = 10। हमसे पूछा जा रहा है b की वर्तमान आयु क्या है, b की वर्तमान आयु बराबर y और y का वैल्यू 10, इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन 10 वर्ष सही आंसर होने वाला है। इस प्रकार वर्तमान में b की आयु 10 वर्ष हो जाएगी।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, एसबीआई पीओ 2016 पीढ़ी का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सम्राट इज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर त्रिशा एंड सम्राट्स वाइफ फाल्गुनी इज 26 ईयर्स मोर देन त्रिशा। द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द एज ऑफ सम्राट 10 ईयर्स एगो एंड ट्वाइस द एज ऑफ फाल्गुनी 10 ईयर्स एगो वाज 20 to 42। What will be the respective ratio of Phalguni's age 12 years after and Samrat's age 12 years after? इसको सम्राट पढ़ेंगे, सम्रत नहीं पढ़ेंगे। सम्रत लिखा हुआ है लेकिन हम इसे सम्राट ही पढ़ेंगे, लिखने में थोड़ी गड़बड़ी है लेकिन कोई ऐसे ही रहने देते हैं। सम्रत की आयु उनकी, ये सम्राट ही है, सम्रत नहीं है, ये सम्राट ही है, जो सम्राट है यही सम्राट इसको कर देते हैं। सम्राट की आयु उनकी बेटी तीसा की आयु का 5 गुना है और सम्राट की पत्नी फाल्गुनी तीसा से 26 साल अधिक है। 10 साल पहले सम्राट की आयु का 3 गुना और 10 साल पहले फाल्गुनी की उम्र का 2 गुना का अंतर 42 था। फाल्गुनी की उम्र 12 साल बाद और सम्राट की 12 साल बाद संबंधित अनुपात क्या होगा? बनाते इस क्वेश्चन को, पहले जो स्टेटमेंट दी हुई है उसे हमें काम करना है, उसको एज इट इज लिखना है। पहला है सम्राट की आयु उसकी बेटी, पहले हम मानते हैं सम्राट की आयु एक्स है, उसकी वाइफ फाल्गुनी की आयु वाई है और उसकी बेटी तीसा की आयु जेड है। अब आगे क्या कहा जा रहा है? सम्राट की आयु उसकी बेटी तीसा की आयु की 5 गुना है, पहला इक्वेशन ये हुआ, और सम्राट की पत्नी तीसा से 26 साल अधिक है, दूसरा इक्वेशन मेरा ये हो गया। अब कह रहा है 10 साल पहले सम्राट की आयु का 3 गुना, तो सम्राट की आयु का 3 गुना और 10 साल पहले फाल्गुनी की उम्र का 2 गुना का अंतर अगर 42 था तो वर्तमान में, ये पहले की बात हो रही है, तो अगर वर्तमान में हम इसमें 20 साल ऐड करने होंगे क्योंकि तो पहले से अगर हम बाद में आ रहे हैं तो पहले से बाद में आएंगे तो ऑब्वियसली है कि आदमी का उम्र बढ़ेगा। और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है, दो व्यक्ति की बात की जा रही है, तो 10 10 20 हो जाएंगे, तो जो डिफरेंस है उसमें हमें 20 से ऐड करने पड़ेंगे, 20 को जोड़ने पड़ेंगे, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 62। और ये मेरा तीसरा इक्वेशन है, पहले दूसरे और तीसरे इक्वेशन की मदद से हम काम करेंगे और हम डिराइव करेंगे x, y और z का वैल्यूज। तो पहले हम चलते हैं पहले वाले इक्वेशन से और दूसरे वाले इक्वेशन से। 5z प्लस 26x बराबर 5z है, सॉरी पहले इसको इरेज करने, कुछ गलत हो गया। पहले और तीसरे की मदद से हम काम करेंगे, 3 × 5z, x बराबर 5z और यहाँ पे x का वैल्यू हम रख देंगे 5z, माइनस 2y इज इक्वल टू 62, 15z माइनस 2y इज इक्वल टू 62, और ये होने वाला है 2y माइनस 15z इज इक्वल टू माइनस 62। अब क्या करें दूसरे इक्वेशन में, क्या करें, दूसरा इक्वेशन भी y और z के रूप में ही है, तो दूसरा इक्वेशन को पहले हम ठीक से लिखते हैं, y माइनस z इज इक्वल टू 26 हुआ, तो 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 52, ऑब्वियस है 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 52, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, माइनस 13z इज इक्वल टू माइनस 104, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और z इक्वल टू हो जाएंगे 104/13 इज इक्वल टू 8। मतलब उसकी बेटी त्रिशा की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14 ईयर्स और y की वैल्यू हो जाएगी 26 प्लस 8 इज इक्वल टू 34 ईयर्स।
अब हमसे पूछा जा रहा है एक्स और वाई, मतलब सम्राट और उसकी पत्नी का आयु का अनुपात 12 साल के बाद। तो हम यही काम करेंगे, पहले 40 में, नहीं सम्राट की नहीं, उसकी पत्नी की पूछी जा रही है, तो पहले हम ये भी निकालेंगे 40 प्लस 12 और 34 प्लस 12, तो ये हमारा होने वाला है 52 और 46, और ये होने वाला है 26 और 23। अगर हमसे पूछा जाए 30 फाल्गुनी और सम्राट की 12 साल के बाद आयु का अनुपात, तो ये होने वाला है 23 और 26। इस प्रकार जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वह 23 और 26। जगह की कमी के कारण कुछ कंजस्टेड हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ साफ है, प्रोसेस बाय प्रोसेस है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। पूछा जा रहा है पहले उसकी पत्नी का और फिर सम्राट का, तो पत्नी का इसको रिवर्स कर देंगे, मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक्स है लेकिन यहाँ पे एफ है, कोई बात नहीं, हम एफ बराबर ए वाई और एक्स बराबर एस माना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इजी है और एसबीआई पीओ 2015 पीडी में पूछा जा चुका है, चूंकि है ये तो इजी, लेकिन फिर भी चूंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी एसबीआई पीओ का, तो इंक्लूड करना इसको लाजमी था और मैंने इसको इंक्लूड किया भी है। तो बात की जा रही है सुमित और नीतीश की, पास्ट में और प्रेजेंट में। पहले क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित एंड नीतीश इज 8:9। इफ 7 years ago it was 9:11, what is the present age of Nitish in years? सुमित और नीतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, और अगर 7 साल पहले ये 9:11 था, वर्तमान में नीतीश की आयु कितनी है? तो हमें नीतीश की प्रेजेंट आयु, यहाँ पे जो भी वैल्यू होना होगा उसका कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें पता करना है। तो पहले पास्ट में चलेंगे और फिर प्रेजेंट में। तो पास्ट में ये है 9:11 और प्रेजेंट में ये है 8:9। अब देखिए इसका डिफरेंस, ये तो 7 साल ही है, 7 साल पहले की ही बात की जा रही है, यहाँ पे डिफरेंस 1 हो रहा है और यहाँ पे डिफरेंस 2 हो रहा है, इसका मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करने होंगे। तो क्या प्रोसेस है, पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसके डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी हमें वैल्यू आएंगे उसको अलग लिखेंगे वहीं पे। नहीं, सुमित है, नीतीश है, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो ये होने वाला है 9:11 और ये होने वाला है 16:18। अब देखिए इसका डिफरेंस हो गया 7 और इसका भी डिफरेंस इस प्रकार 7 ही होने वाला है, और ये 7 साल पहले की बात की, सॉरी -7, 7 साल पहले की ही बात की जा रही है, तो हमारा 7 यूनिट इज इक्विवेलेंट हो जाएगा 7 ईयर्स। तो 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर्स, और सुमित की वर्तमान आयु, सॉरी नीतीश की वर्तमान आयु का करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, तो 18 इज इक्विवेलेंट टू 18 ईयर्स। इस प्रकार सुमित की वर्तमान आयु 18 वर्ष होगी और ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, जो कि SBI PO 2015 प्री का था। पहले प्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर SBI PO और IBPS PO मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं वीडियो को लाइक अवश्य करें, डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछें और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस।